अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक हेयर ऑयल के बारे में शेयर करने वाली हूँ, टच एंड नरिश नेचुरल हेयर ऑयल। ये पीआर मुझे रिसीव हुआ था कुछ हफ्तों पहले और इसको यूज़ करने के बाद मैं आज आप लोगों के साथ अपना फाइनल वर्डिक्ट शेयर कर रही हूँ। हेयर ऑयल के अंदर काफ़ी सारे दूसरे ज़बरदस्त और बेहतरीन और फेमस हेयर ऑयल्स हैं, जैसे कि कोकोनट, आलमंड, नीम, विटामिन ई और दूसरे हर्ब्स भी। फ्रेगनेंस बिल्कुल भी नहीं है इसमें, खुशबू किसी भी किस्म की, बट यस, जड़ी बूटियों की फ्रेगनेंस इसमें है। और दूसरी चीज़ ये कि ये इसका जो सबसे मुझे बेहतरीन और बेस्ट पार्ट लगा वो ये है कि ये इतना लाइट वेट है कि अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी यूज़ कर लेते हैं, यू विल फील नथिंग इन योर हेयर्स। लाइक आपको लगेगा ही नहीं कि अपने बालों में कुछ यूज़ किया हुआ है। इसकी फ्रेगनेंस इज़ अ लिटिल बिट वियर्ड बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग हर्ब्स, बट क्योंकि जिसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं तो उसकी फ्रेगनेंस फूलों जैसी आपको नहीं आएंगी बिल्कुल भी, बट यस, उसकी अमेजिंग बेनिफिट्स जो हैं वो आपको आपके बालों में नज़र आएंगे। ये हेयर ऑयल जो है स्पेशली कर्ली बालों वालों के लिए बनाया गया है, क्योंकि कर्ली बाल या जिनके वेवी होते हैं या उसके अलावा भी जिनके बाल डैमेज हैं, ड्राई हैं, ये उन सब को क्योर करता है। आपके हेयर फॉल को रोकता है, आपके डैंड्रफ को रोकता है, शाइन को बनाता है, हेयर के वॉल्यूम को बूस्टअप करता है और भी बहुत सारी दूसरी अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ है इसमें, जो कि बॉटल के ऊपर ऑलरेडी मेंशन है। इसके अलावा ये आपको हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। इसके अलावा इस हेयर ऑयल के अंदर इसके डायरेक्शंस मेंशन है कि आपको ये 4 से 5 बार इन अ वीक यूज़ करना है। यस, तो फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स यू हैव टू लीव इट ओवरनाइट, बट क्योंकि मैं इसको हेयर ऑयल को या कोई भी हेयर ऑयल हो मैं उसको वीक में 2 बार ही यूज़ करती हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। यू कैन यूज़ इट, इस हेयर ऑयल को अच्छे से अपने रूट्स में मसाज करने के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं आधा कप फॉर ओवरनाइट और इसको आप शावर कैप से कवर कर लीजिए या फिर आप इसको हॉट टॉवल से भी स्टीम दे सकते हैं। आफ्टर द शैम्पू माय हेयर ग्रोज लेस फ्रीजी, सेटल डाउन थे। I hope you like the video. Take care. Allah Hafiz.